हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल सखी क्रिएशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको फंदे डालना बताऊंगी। और क्योंकि कई लोगों ने कहा है कि आपने फंदे डालना तो बताया ही नहीं है, तो मैं आज उनके लिए ये वीडियो लेके आई हूँ और फंदे डालना बताऊंगी कि किस तरीके से हम डिजाइनर और सादे फंदे डालते हैं। आइए उसको बनाते हैं। और अगर दोस्तों आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और आइकन बेल को दबा दे, ताकि हमारा भी न्यू वीडियो का अपडेट सबसे पहले आपको मिले और शेयर करना ना भूले। आइए हम फंदे डालना बताते हैं कि किस तरीके से फंदे डालते हैं। दोस्तों, पहले हम सादे फंदे बनाएंगे। तो हम क्या करेंगे, हमें सिंगल धागे से फंदे डालना होता है, और वो किस लिए वो भी मैं अभी आपको बताऊंगी। तो देखिए, हम क्या करेंगे, पहले इसको दो बार लपेट के और इसमें कांटे में इस तरीके से हम इसमें डाल देंगे। और पहला फंदा इससे धागे को इस तरीके से पकड़ेंगे और मोड़ के पीछे से हम उसको कांटे में ले जाएंगे, दूसरे उंगली से उसमें पहना के, और धागे को आगे की तरफ से छोड़ देंगे। ये पहला फंदा हम डालेंगे और दूसरे हाथ से इसमें मोड़ के फंदा डालेंगे और अंगूठे वाले धागे को छोड़ देंगे और खींच लेंगे। या तो फिर इसको आप इस तरीके से डाल सकते हैं ऐसे, फिर धागा उसमें लपेटेंगे और उनको आगे छोड़ देंगे, खींच लेंगे इस तरीके से, और फंदे को लपेटेंगे, धागा आगे ले जाके छोड़ देंगे ये इस तरीके से, और धागा आगे लेकर छोड़ देंगे। हमने इसमें लपेट लिया है, उनको लपेटेंगे और धागा आगे ले जाके छोड़ देंगे। पहले हम इस तरीके से इसमें अंदर ले जाएंगे कांटे में और लपेट के, और आगे का भाग हम इस तरीके से उनको छोड़ देंगे। ये हमारा ये सादा फंदा है। ये जो हम सादी बिनाई, सीधी उल्टी की बिनाई करते हैं और हमें डबल बॉर्डर बनाना होता है, तो उसके लिए ये फंदे डालते हैं। क्योंकि ये हम सादा सीधा बुनाई करने के बाद जब मोड़ते हैं तो ये हमारा फंदा आसानी से यहाँ से एक एक करके खुल जाता है और फंदे यहाँ से निकल आते हैं, और दोनों फंदों को जोड़ के हमें एक बराबर फंदे, यानी कि इधर अगर 10 हैं उधर भी 10 हैं, उन फंदों को 10 ही बना लिया जाता है और बड़ा बॉर्डर बनाया जाता है, ये उसके लिए है। अब हमें दूसरा फंदा अगर हमने सिंगल धागे से इसको बनाया था, वो सादा ही है, उसी तरीके से ये सादे फंदे हमने देखिए दो बार उनको मोड़ लिया है, यहाँ से दो बार हमने मोड़ लिया है और यहाँ पकड़ेंगे, और इसको क्या करेंगे, हमने कांटे को खड़ा किया है और ये देखिए पीछे से ले आएंगे और इसको इस तरीके से कर देंगे। फिर हम आगे से फंदा डालेंगे और दूसरे हाथ से डालेंगे, और ये हमारा फंदा, अगर चाहे तो आप यहाँ पे आप मोटा भी इसके दो के जगह पे तीन धागे भी फोल्ड कर सकते हैं और मोटा इस डिज़ाइन को दे सकते हैं। ये हमारा हो गया है। हम क्या करेंगे, पहले इस हाथ से डालेंगे राइट, फिर लेफ्ट से लपेटेंगे और इसको आगे ले जाके छोड़ के खींच देंगे। राइट से फंदा हमने डाल लिया है, लेफ्ट से हम उसमें फंदे डालेंगे, मोड़ेंगे उस धागे को, और दूसरा हम हाथ से इसको छोड़ के खींच लेंगे। इसी तरीके से ये हमारा फंदा बन के, फंदे इसी तरीके से हमारे डाले जाते हैं। आप जैसे जिस तरीके से आपको आसानी लगे आप फंदे को डाल सकती हैं। ये हमारा दो धागे का टू हो गया, और इसके जगह पे आप तीन धागे भी कर सकती हैं। ये हमारा सिंपल धागे से था, और अब मैं डिजाइनर फंदा डालना बताऊंगी कि वो किस तरीके से बन। दोस्तों, अब तीसरा फंदा मैं डालना, जो डिजाइनर फंदा है उसको बनाना बताओगी। ये हमने दो बार फोल्ड कर लिया है, अब इसको तीसरे बार यहाँ से हम मोड़ लेंगे। हमने मोड़ लिया इसको, अब मैं फंदा इसमें डालूँगी कि फंदे किस तरीके से डालते हैं। इसको हमने देखिए, हमने इसमें उनमें घुसा लिया है कांटे पे इसमें, और इसको हमें इस तरीके से मोड़ना है और एक फंदा बनाना है इसमें, सॉरी इसको देखिए, हमने इसमें धागे को कर लिया है
अब हमें यहाँ से मोड़ के इसमें एक फंदे बनाना है। ये हमारा बन गया। अब इसको हमें पीछे की तरफ से ले जाना है और इस फंदे को इस उंगली से चढ़ा के मोटे वाले फंदे को ले जाके आगे गिरा छोड़ के हमें खींच लेना है। फिर हम एक बार सीधा देंगे और ये फंदा चढ़ाएंगे और मोटे धागे को आगे ले जाके छोड़ देंगे। फिर एक तरफ हमें आगे की पीछे की तरफ से करना है। ये हमने पीछे की तरफ से कर लिया और एक बार हम आगे की तरफ से करेंगे। आगे से हमने फंदा ले डाल लिया है। एक बार हमें पीछे से मोड़ना है और फंदे को ले जाना है और मोटे वाले ऊन को ले आगे ले जाके उतार के इसको छोड़ देना है। ये हम आगे इस तरीके से ले जाएंगे और फिर इसमें छोड़ देंगे। फिर एक बार हमें पीछे की तरफ से ले जाना है और उनको लपेटेंगे और इस धागे को आगे ले जाके छोड़ देंगे। फिर मैं एक बार बताऊंगी, पहले इस तरीके से सीधे और इसमें फंदा निकाल लेंगे और आगे ले जाके मोटे ऊन को छोड़ देंगे। फिर एक तरफ एक बार पीछे से और धागा इसमें लपेटेंगे और इस ऊन को आगे ले जाके छोड़ देंगे, खींच लेंगे धागे को। फिर एक बार आगे से और फंदे हमने डाल लिया है और ऊन को आगे छोड़ देंगे और खींच लेंगे। एक बार पीछे की तरफ से इस तरीके से ये हमारा डिजाइनर फंदे बनके तैयार होते हैं। ये हमारा डिजाइनर फंदे बनके तैयार हो गया है। दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट देना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।